नहीं पढ़ाऊं, नहीं पढ़ाऊं, तुम्हारी तो कोई इच्छा ही नहीं है। अब जैसे आपने साइक्लोट्रॉन में जो इमिटेड एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल था उसकी आपने काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी कैलकुलेट की थी ना, इसी तरीके से आप इमिटेड चार्ज पार्टिकल की जो लीनियर एसिलरेटर से एसिलरेट होकर बाहर निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इफ L1 L2 L3 .. LN is the length of L1, L2, L3, LN is the length of the drift tubes and LN is the last CN, CN, C1, C2, C3 n लिया था ना, CN is the last drift tubes drift tube। ठीक है, अब लीनियर एक्सेलरेटर के अंदर, इन लीनियर एक्सेलरेटर, अब लीनियर एक्सेलरेटर में हमने ये मान लिया कि जो आपका लास्ट वाली ट्यूब थी C1 C2 C3 इस तरीके से लिया था, तो सी एन जो है वो लास्ट ड्रिफ्ट ट्यूब है, उसका लेंथ है एल एन। ठीक है, उसका चार्ज क्या होगा, लास्ट वाले में जब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन लिया था ना, तो पॉजिटिव आयन लास्ट वाली में एक्सेलरेट होगा तब इसके अंदर नेगेटिव की तरफ ही तो एक्सेलरेट होगा, उसके बाद वो वहां से एमिट होगा लास्ट वाली से। ठीक है, वहां से कहाँ जाएगा, जहां हमको एक्सेलरेट वापस क्यों आएगा, हमें यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। जैसे बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर हमें उस आयन की एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक्सेलरेटर को यूज किया जाता है। जहां पर हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पर हमें हाई एनर्जी आयन्स चाहिए या एक्सेलरेटर आयन्स चाहिए जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो, तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए पहले उन्हें एक्सेलरेटर में से पास करते हैं, जिससे कि उसकी एनर्जी और उसकी जो है वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाए, उसके बाद हम वहां जिस टारगेट पर हमें चाहिए वहां उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला आपने सी एन है आपकी ड्रिफ्ट ट्यूब, उसका लेंथ माने हमने कंसीडर कर लिया एल एन है, तो आपके लास्ट वाले एल एन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देन वेलोसिटी ऑफ द एक्सेलरेटेड इमिटेड चार्ज पार्टिकल फ्रॉम लीनियर एक्सेलरेटर। अब आपको ये भी पता है कि हर बार क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वो L1 और L2 के गैप में है तब मान लीजिए इससे पास होने के बाद उसकी वेलोसिटी V1 हो जाती है, L2 लेंथ वाली जो ड्रिफ्ट ट्यूब है उससे पास होने के बाद उसकी इंक्रीज हो जाती है वेलोसिटी V2 हो जाती है, तो लास्ट वाला जो LN है उससे निकलने के बाद उसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली VN है। ठीक है, सपोज देन द वेलोसिटी ऑफ द एक्सेलरेटेड इमिटेड चार्ज पार्टिकल, इमिटेड मतलब लास्ट लीनियर एक्सेलरेटर से लास्ट वाले ट्यूब से वो इमिट हो रहा है, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, Vn। ठीक है, लास्ट वाला ट्यूब है Cn जिसका लेंथ है Ln और उसमें से जो चार्ज पार्टिकल इमिटेड होगा हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी होगी, Vn। ऐसे V1 V2 V3 लास्ट Vn है। ठीक है, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हैं ना, डिस्टेंस वाई डिस्टेंस वाई स्पीड, और स्पीड यहां मैंने लिख दिया तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ कितनी है उस एल एन सी एन वाली ट्यूब की, एल एन है तो एल एन ट्यूब में ही तो उसकी वेलोसिटी होती है, इसको मान लिया आपने एल एन। ठीक है,
लास्ट यहाँ से चार्ज पार्टिकल एमिट होता है विद द वेलोसिटी vl, और इसको मैंने नेम दिया था cn ट्यूब, c1 c2 c3 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा ln by t। कैलकुलेट क्या करना है, हाँ बट इसको इसमें टाइम कितना लगता है, एक ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर टाइम कितना लगता है, T/2 टाइम लगता है, और T/2 में ही उसकी पोलैरिटी उस टाइम पर नेगेटिव रहती है, और अगेन T/2 में उसकी चेंज होकर पॉजिटिव, तो टाइम T/2 लगता है ये। तो यहां से देखो इस T को मैं इधर लाती हूँ, तो ये हो जाएगा 2ln/vn और यहाँ T, सही है ना, T इज इक्वल टू 2ln। नहीं नहीं उसी उसमें कितना टाइम लगा उसको, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2πf लिख सकती हूँ, T इज इक्वल टू 2π/ω होता है, ठीक है, फिर वो 1/f ही आ जाएगा ना, T इज इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं ना, T इज इक्वल टू 2π/ω, और ओमेगा को क्या लिखते हैं 2πf, तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल तो होता है इनवर्सली 2ln/vn, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई आ गया ये f इज इक्वल टू vn/2ln, ये उसकी है T/2 से निकाला है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी उसकी है पावर सप्लाई की, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, अब हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड चार्ज पार्टिकल। तो लास्ट ln वाले ट्यूब से जब चार्ज पार्टिकल निकलेगा उसकी वेलोसिटी vn है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी एन स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये हाफ एम वी एन स्क्वायर कौन सी वाली एनर्जी है, टोटल एनर्जी है जो उसने टोटल ln ट्यूब्स में से पास होने के बाद वाली एनर्जी, समझ रहे ना, vn क्या है, सभी v1 v2 v3 सबका एड ही तो है, टोटल एड है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी हर बार जो इंक्रीज हो रही है उसका सबका एड है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां लिख देती हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड चार्ज आयन या चार्ज आयन by the linear accelerator, वो कितना है आपका हाफ एम वी एन स्क्वायर। अब आपको मैंने ये एक चीज बताई थी, जैसे आपकी ये वाली ट्यूब थी C1 और ये वाली ट्यूब थी आपकी C2, ठीक है, दोनों को अलग अलग, ये ऑड नंबर वाली है, ये इवन नंबर वाली है, ये इस टाइम पर नेगेटिव होगी, तो इवन नंबर वाली क्या थी, पॉजिटिव, ऐसे ही कनेक्ट किया था सभी ऑड नंबर्स को नेगेटिव से और सभी इवन नंबर्स को फर्स्ट पॉजिटिव से। तो इस जब गैप में यहाँ पर यहाँ से एंटर करने के बाद इन दोनों के गैप में जब होता है आयन, उस टाइम पर उस पर इस वोल्टेज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, एफ कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इज इक्वल टू, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V, ठीक है, ड्यू टू दिस वोल्टेज आयन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V होता है कि नहीं, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू QE होता है कि नहीं, पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज आयन पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू QE, ठीक है, इस Q इज द चार्ज ऑफ द आयन, तो फोर्स जब QE हो गया तो उसका एनर्जी कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, यहां पर हमें चाहिए एनर्जी QV, इंक्रीज इन एनर्जी कितना होगा, एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा ना, फोर्स का ये है तो
तो गैप में ड्यू टू द वोल्टेज वी उसका एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, क्यू वी। जैसे आपने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था ना, जब डीज के गैप में होता है तो उस पर वोल्टेज वी की वजह से उसका एनर्जी कितना इंक्रीज होता है एक बार गैप में, जैसे इस वाले गैप में लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट जब गैप में होगा तो एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है, क्यू बी। और यहाँ पर वो एक सर्कल में दो बार आता है तो उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है टोटल एक सर्कल में, टू क्यू बी। अब यदि वो इमिटेड चार्ज पार्टिकल इसमें एन सर्कल के बाद बाहर निकलता है तो टोटल एनर्जी कितनी थी, टू क्यू बी एन, ठीक है। अब इसी तरीके से आप एक्सेलरेटर में जब वो फर्स्ट टाइम इस गैप में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है, ई इज इक्वल टू क्यू बी। अब वो कितने गैप में होकर गुजरेगा, पास होगा एन में, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन क्यू बी, ठीक है। तो एक एक बार गैप में उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है क्यू बी, और वो लास्ट वी एन से जब पास होगा एल एन से तो हर एन गैप आ जाएंगे, एन गैप में उसकी एनर्जी कितनी होगी, एन क्यू बी, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहां से वी एन यदि कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा टू एन क्यू बी डिवाइड बाई एम, और वी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एन क्यू बी बाई एम, सही है। बुक लाए हो तुम, हाँ, इसमें क्यू इज इक्वल टू ई लिखा हुआ है, चार्ज हम यदि आयन का ई ले लेते हैं तो टू एन ई बी बाई एम ये आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट तो जो इमिटेड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, कि टोटल उसने कितने गैप, उसने कितने गैप में गया है, वो तो डिपेंड करेगा ही क्योंकि हर बार गैप में एनर्जी इंक्रीज होती है उसकी, तो एन पर तो डिपेंड करेगा ही, नंबर ऑफ गैप्स जितने हैं उसमें, ठीक है। और ये चार्ज है, ये पोटेंशियल जो लगा रहे हैं ऑफकोर्स उस पर भी डिपेंड करेगा, एंड द मास ऑफ द आयन, ठीक है। मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे है, क्योंकि यदि आप आयन की ऐसा मास ले लेते, आयन ऐसा ले लेते जिसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी ऑफकोर्स वेलोसिटी कम हो जाएगी, और मास यदि उसका मतलब कम है तो वेलोसिटी ऑफकोर्स उसकी ज़्यादा होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक रिलेशन और है इसमें, एफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वी एन बाई टू एल एन, और एल एन इज इक्वल टू, ओके, एल एन इज इक्वल टू वी एन बाई टू एफ, यहाँ से एल एन इज इक्वल टू वी एन बाई टू एफ, और एल एन इज इक्वल टू, अच्छा ये इक्वेशन नंबर एक, तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई, ये इजी है लीनियर एक्सेलरेटर, वैसे यदि आपको समझ में आ गया आप बोल अपने मन से भी थ्योरी लिख सकते हैं। सेम साइक्लोट्रॉन था, दोनों ही लास्ट ईयर नहीं पूछे गए तो इस बार पूरे चांसेस हैं कि ये पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, इक्वेशन नंबर टू और ये इक्वेशन नंबर थ्री। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से एक रिजल्ट और निकल सकता है यहाँ से, छवि एंड आशी दो ऑनलाइन है, जीवेश ना सो गया जाके, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ से एल एन इज इक्वल टू कितना आ सकता है, इसमें वी एन का वैल्यू पुट किया है यहाँ से तो ये हो जाएगा वन बाई टू एफ रूट टू एन क्यू बी बाई एम, ठीक है।
ये लास्ट इक्वेशन नंबर फोर्थ। यहाँ से ये बोल सकते हैं एन जो है नंबर ऑफ गैप्स ही तो है, नंबर ऑफ इंटीजर बोल सकते हैं इसको, एल एन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, ठीक है, एन इज द इंटीजर नंबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे आपने एल एन लिखा है, एल वन एल टू एल थ्री ये क्या है आपकी लेंथ ऑफ द ड्रिफ्ट ट्यूब सी वन सी टू सी थ्री इज इक्वल्स टू कितना है, जैसे इनका रेशियो लेते हैं तो कितना है अंडर रूट वन अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री इस तरीके से। इसका मतलब जो इनका लेंथ है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, समझ रहे हैं ना, एल वन एल टू एल थ्री वो किस उसमें रेशियो में अंडर रूट टू अंडर रूट वन अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कंप्लीट हो गया आपका लीनियर एक्सेलरेटर। अब कल से फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर दे, फोर्थ में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, वहां पर बस एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिस्कस करने हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स थ्योरी का कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा बड़ा छोटे छोटे टॉपिक है। बुक लाए हो तुम क्यों, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके लीनियर एक्सेलरेटर के, वो तुम कर लेना, इसने तो लिख नहीं रखा। आठ हाँ इतना तो लग जाएगा, सात सात दिन सात आठ दिन लग जाएंगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अब। स्टॉप किया है।